I am a 2012 Thapar graduate, Electronics and Communication Engineering. इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? मतलब मेरा भी उतना ही कटा है जितना आपका कटा है. Like just like the majority of you, engineering happened to me by elimination, not by choice. क्योंकि घर वाले ने बोला कि कॉमर्स और आर्ट्स नहीं करने हैं, वो नलायक बच्चे करते हैं. मैंने घर वालों को बोला कि मेडिकल मैं कर नहीं पाऊंगा, उसमें बुढ़े रहूंगा पढ़ाई करते करते, तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं फिर देख लेंगे क्या करना है. एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर प्लान. ओके, सो इंजीनियरिंग कर ली पहली डिग्री, उसके बाद दूसरी डिग्री MBA, गॉट अ वेरी डिसेंटली पेइंग जॉब इन द ड्रीम सिटी बॉम्बे. सब कुछ सही चल रहा था और आगे वाला प्लान भी काफ़ी हद तक सॉर्टेड था कि 2-3 साल नौकरी करके बढ़िया सेविंग करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर माता रानी की कृपा से एक बच्चा करेंगे, अगर कृपा बनी रही तो एक और कर लेंगे, फिर एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी, घर, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, मतलब एकदम ऐसा. बट देन जब इंसान ज़्यादा पढ़ लिख जाता ना, तो वो उसके दिमाग में प्रश्न काफ़ी उठते हैं कि यार मैं अपने आप को तो टाइम दे ही नहीं रहा हूँ. लाइक आई वॉज ऑल्सो रीडिंग सम बुक्स, ऐसे आपने ऑथर सुने होंगे जैक वेल्च वगैरह, हाई फाई ऑथर, बहुत बढ़िया इंग्लिश लिखते हैं. तो उनमें ऐसे बोला कि यू आर योर बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, यू आर योर बिगेस्ट एसेट और ऐसा वैसा. तो मैंने कहा हाँ, मैं अपनी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट में तो इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ बिल्कुल, आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर माई सेल्फ. फॉर्चुनेटली फॉर मी, स्टैंड अप कॉमेडी हैपन्ड इन बॉम्बे, इट हैपन्ड. आई वॉज नॉट लुकिंग आउट फॉर इट, मतलब मैं ऐसा ढूंढ नहीं रहा था कॉमेडी, बट वो हो गया बिकॉज आई वॉज इंटरेक्टिंग, बींग एन एक्सट्रोवर्ट बाई नेचर, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल. तो उसमें से कुछ कूल लोग थे जिनको पता था कि स्टैंड अप कॉमेडी जैसी चीज़ होती है, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि कुछ होता है. ऐसा इजहार में वो जो इंटरियर अपना कॉम्पिटिशन होता है उसमें स्किट करता था, स्टैंड अप कॉमेडी पता था, बट आई हैड नो आइडिया दैट समथिंग लाइक दिस इज बीइंग परस्यूड प्रोफेशनली. तो वो ले गए मेरे को एक दिन अपना कॉमेडी क्लब कि आओ बढ़िया शो देखें, और क्या मज़ा आया उस दिन, क्योंकि वो टिकट प्राइस दोनों की सेम है. सो उससे पहले मूवी था सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मूवी देखते थे जब भी वीकेंड पर टाइम मिलता था. एंड आई रियलाइज द टिकट प्राइस फॉर मूवी एज वेल एज द स्टैंड अप कॉमेडी शो इज सेम, लाइक 300-400 रुपये की टिकट होती है. स्टैंड अप कॉमेडी शो में फन होता है गारंटीड, मूवी दिलवाले जैसी निकल सकती है. तो इतना ज़्यादा फन, लाइक आई वॉज हुक्ड ऑन टू स्टैंड अप कॉमेडी, सो मच सो दैट आई डिसाइड, लाइक उसके दो तीन महीने कॉन्टिन्यूसली आई डिसाइडेड टू गो टू द क्लब एवरी वीकेंड एंड वॉच कॉमेडी, एंटरटेन माई सेल्फ वहाँ पे. फिर देन आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द कॉमेडियंस हु वर डूइंग देयर परफॉर्मिंग. तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे आपने शुरू किया था, मतलब मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज़ है. Then they told me about something called as open mic. Open mic is where new people can go and register, and whatever they think is funny, they can go and perform there. तो मैं open mic करने चला गया, माशाल्लाह क्या मजा आया वहाँ पे. ओहो, मतलब वहाँ पे एकदम ऐसे जनता हंसा के, किसको अच्छा नहीं लगता, एकदम validation मिलती है. और दो तीन beginner's luck, if you might want to call it, तो I won my second open mic. I got to win it. तो जब जीत गया फिर तो भाई को ऐसा लगा कि अब तो comedian बन गए हैं, अब तो पैसे गिरेंगे हर तरफ से, बस अब एक जेब में चश्मा लेके घूमना है और पेन, कहीं ऑटोग्राफ मांग लिया तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए, मतलब ऐसे सड़क पे ऐसे निकलेंगे. बट नथिंग लाइक दैट वाज सपोज टू हैपन ऑब्वियसली, बट आई हैड नो आइडिया कि अभी तो 5-6 ओपन माइक करे थे, सब सही है. तो आई टुक द नेक्स्ट रैशनल स्टेप इन माई हेड, आई क्विट माई जॉब. अपने दिमाग में तो मैं कॉमेडियन बन चुका हूँ ना, दुनिया गई बाहर में, 1600 किलोमीटर दूर बैठे पंजाब में मेरे घर वालों की फटके 4 हो गई. कि ये लड़का क्या कर रहा है, लाड साहब ने मजे मजे में नौकरी छोड़ दी, कह रहे मजा बहुत आ रहा है, इनके मजे नहीं खत्म हो रहे, इनके कॉलेज ही नहीं खत्म हो रहे. मतलब माय पेरेंट्स वर कन्विंस्ड कि लड़का वहां जाके गांजा चरस करने लग गया, ये फ्लिप हो गया दिमाग में, एंड ही इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट वी नेवर वांटेड हिम टू डू, परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो एंड उनकी ना फोन पे टोनैलिटी चेंज हो गई, पहले फोन पे बात करते थे हाँ भी मुंडिया क्या हाल है, अब बात करने का टोन ही चेंज हो गया, हाँ भी क्या हाल है, आप समझ रहे हो. एंड अदर थिंग्स स्टार्टेड टू हिट मी एट दैट सेम स्पैन, यू नो. अभी जैसे पहले तो पैसे आ रहे थे, छड़ा आदमी था मैं, बॉम्बे में बढ़िया कमा रहा था, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना, आंख बंद करके ऊबर ओला बुक कराई, बढ़िया, सर्ज नहीं देखा, 1x 2x कराई ऊबर ओला, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अब नाउ मनी इज नॉट कमिंग इन, सो आई हैड टू रिजॉर्ट टू लोकल ट्रेन्स एंड यू नो मेट्रोज एंड ऑल दैट. दोस्तों के साथ पहले बाहर जा रहे थे, आन दो टिक्के, आन दो शराबे, आन दो,
हुक्के चलने तो कोई चक्कर नहीं है। अब जब बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, क्योंकि फन तो करना है ऑब्वियसली, तो बाहर जा रहे हैं तो जब वो कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो आई कैजुअली स्नीक आउट, लुक आउट फॉर अ फ्रूट वेंडर, उसे दो केले एक सेब लिया, सारा डिनर 30 रुपये में सलटाया, अंदर आके बोल दिया कि मैं ना एक्चुअली जिम जा रहा हूँ तो मैं बाहर से तो नहीं खा पाऊँगा, इस तरह से बहाने देने शुरू किया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड टू हिट मी ऑल ऑफ अ सडन, एंड फॉर्चुनेटली फॉर मी एट दैट पॉइंट इन टाइम सेंस प्रिवेल्ड कि अभी इट इज़ अ रैश डिसीजन, आई डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब अगेन, आई वॉज नॉट रेडी, और ऑनेस्टली आई वॉज नॉट रेडी एट दैट पॉइंट इन टाइम। आई टुक अप अनदर जॉब, रिलेटिवली चिल्ड आउट जॉब, पहले मैं बैंक में था, बैंक वालों ने मार रखी थी अच्छे से, अभी आई टुक अ रिलेटिवली 9 to 6 जॉब सो दैट आई कुड परस्यू दिस हॉबी ऑफ माइंड। आई स्टिल डोंट, उस टाइम पे आई स्टिल डोंट लाइक कॉल इट पैशन अभी, तो आई परस्यूड दिस हॉबी फॉर लाइक 2 years नाउ एंड इट इज ग्रोन इन टू अ पैशन, सो मच सो दैट वेरी रिसेंटली आई हैव क्विट दिस जॉब ऑफ माइंड टू डू दिस फुल टाइम प्रोफेशनली। नाउ द थिंग इज, अभी मैंने 3 महीने हुआ जॉब छोड़ी है, लाइक अभी अब मैंने अभी 3 महीने पहले पैशन फॉलो करा एकदम ढंग से, ऐसा हो सकता है कि 6 महीने बाद मैं कुछ और कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट द फैक्ट इज दिस जर्नी दैट आई एम करंटली ऑन, द जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट आई वांट टू डू और लाइक एसेंशियली डिस्कवरिंग माई सेल्फ, इट इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बिफोर आई लीव द स्टेज, दैट दिस जर्नी इज अ साइन वेव, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्सटेसी, डिप्रेशन, यू नो, सक्सेसेस, फेलियर्स, बट बाई द एंड ऑफ दिस यू डिस्कवर योर सेल्फ हाउ, बिकॉज अभी तक स्कूल में कॉलेज में यू आर लिविंग इन अ बबल, यू आर लिविंग इन अ क्लोज इन्वायरमेंट, यहाँ पे देर आर पीपल टेकिंग केयर ऑफ यू, देर इज फैकल्टी, देर इज एडमिन, आई मीन यू वुड डिसअग्री फैकल्टी टेक्स केयर ऑफ यू, बट देर आर पीपल, देर आर पेरेंट्स, देर इज अ स्ट्रक्चर इन प्लेस विच यू आर फॉलोइंग, द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ दैट गेट विद अ डिग्री इन हैंड एंड योर एंटायर लगेज, दिस बबल वुड ब्रेक एंड यू वुड बी ऑल ऑन योर ओन, स्टैंडिंग ऑन योर 2 feet, दैट इज वेन यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ। यहाँ से प्लेसमेंट सेल से बाबा सर नौकरी लगवा देंगे, तुम अगर जाके तुम्हारी कोडिंग में जॉब लगी है एंड यू डिसाइड टू स्टिक विद इट विदाउट एक्सप्लोरिंग वेदर यू कैन डू एनीथिंग एल्स, दैट इज रॉन्ग, इट माइट बी राइट फ्रॉम योर परस्पेक्टिव बट व्हाट आई फेल्ट इज दैट दैट इज रॉन्ग, गो आउट, मीट पीपल, ट्रैवल द वर्ल्ड, एक्सप्लोर, इंटरेक्ट विद अदर पीपल, गेट टू नो देयर परस्पेक्टिव, देखो तो सही कि दुनिया में क्या कुछ है करने को, लाइक तुम्हें सिर्फ पता है कि कोडिंग है, मे बी यू आर क्रिएटिव इनफ फॉर वीडियो मेकिंग, लेट्स से, आई डोंट नो, मे बी जस्ट गो आउट एंड एक्सप्लोर, दैट इज वेन यू वुड रियलाइज दैट यू नो समथिंग, इफ यू स्टिक अराउंड विद कोडिंग एंड यू नो आज तुम एक्सप्लोर करके आते हो और वापस से तुम आते हो वापस कोडिंग पे बिकॉज यू फिगर आउट कि ये सब सही है, यही कोडिंग मेरे को करना है, ग्रेट, बट एटलीस्ट यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, दैट इज वेन यू वुड डिस्कवर योर सेल्फ, यू वुड नो हु यू एक्चुअली आर, बिकॉज स्टैंड अप कॉमेडी हैज चेंज्ड मी एज अ पर्सन। अभी जो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ माइक पकड़ के, बढ़िया, 3-4 साल पहले स्कोप ही नहीं था, आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा यू नो आई फॉर माई मटीरियल दैट आई डू ऑन स्टेज आई डेल्व डीप डाउन विद इन लाइक इन साइड ऑफ मी, क्योंकि ऐसे थोड़े कि कबूतर पे जोक लिख दो जी, ऐसे थोड़े होता है, लाइक आई हैव टू लुक डाउन ऑन इंस्टेंसेज दैट हैव हैपन्ड विद मी इन ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड और माई एडल्टहुड और मे बी यू नो आई एक्सप्लॉयट माई फेल्ड रिलेशनशिप्स एंड माई फैमिली फॉर जोक्स, समथिंग थिंग्स दैट आई बिलीव इन आई यूज देम टू क्रिएट जोक्स, वहीं से लाइक आई एक्सप्लोर माई सेल्फ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन माई स्टैंड अप सेट आई डू दिस 5 minute सेट ऑन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये इसके बारे में इस देश में ओपनली कोई बात नहीं करता है, 99.8% ऑफ किड्स हैव बीन सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड वन वे और द अदर वाइल दे आर किड्स, नो वन टॉक्स अबाउट इट बिकॉज किड्स आर अफ्रेड टू स्पीक अप एंड पेरेंट्स आर वेरी अनकंफर्टेबल, you due to that I noticed something like that in my childhood and my belief was that something like this should never happen to anyone, that is why I speak up and talk about this, this is how I have discovered this is something that I would like leave you with, this that please go out and explore, figure out what you want to do, calling har ek ko milna aasan nahi hai but milne ek effort dalo is what your responsibility is, फियर ऑफ फेलियर सब में होता है, डोंट जस्ट बी बॉग डाउन बाय द फियर ऑफ फेलियर, एवरी वन इज अफ्रेड टू फेल, नो वन लाइक्स टू फेल, बट यूज फियर ऑफ फेलियर टू योर एडवांटेज, लाइक बी सो अफ्रेड टू फेल दैट इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू सक्सीड, सो अफ्रेड टू फेल, लाइक गो आउट, एक्सप्लोर, डोंट बी अफ्रेड टू फेल, मेक मिस्टेक्स, कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोजर एंड बी फिट फिजिकली एंड मेंटली, एंड वंस यू फाइंड
Once you find what you are looking for, just never give up. Never give up. Thank you so much, guys.